अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड लेक्चर इस वीक का। बेसिकली आपको जो है हमने चैप्टर 10 स्टार्ट किया हुआ है और वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। हाफ चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली हमने कवर कर लिया हुआ है और अभी हम देखेंगे कि पहले रिवाइज करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था और फिर इस लेक्चर के ऊपर आएंगे कि हमने इस लेक्चर में क्या क्या कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि आपके लिए नेसेसरी है, लाजमी है चीज़ कि जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो आपके सामने आपकी बुक होनी चाहिए। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से। मैंने आपको बताया डेफिनेशन के अंदर क्या है। डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी लिखी हुई है, द वैल्यूज एंड अजम्पशंस शेयर्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैल्यूज या अजम्पशंस शेयर की जा रही होती हैं उसको बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं। वो वैल्यूज वो अजम्पशंस जो कि शेयर की जाती हैं, जो कंपनी होती है उसके एम्प्लॉयज आपस में कुछ चीज़ें शेयर करते हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट फॉर्म होती है, वो उनकी बात करने का एक्सेंट होता है, वो उनकी ड्रेसिंग सेंस होती है, वो उनका काम करने का एक तरीका होता है, वो सारा कुछ जितने भी चीज़ें होती हैं उसको हम वैल्यूज या अजम्पशंस कहते हैं। जिसके बाद हमने देखा था उस वो जो शेयर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक दूसरे के साथ जो वो शेयर कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसके बाद हमने बुक के अंदर मैंने वो कहा था कि बुक में आपने देखना है कि एक चीज़ दिखाई गई हुई आपको जिसमें आपको दिखाया गया है कल्चर और सब कल्चर के बारे में बताया गया है, जिसमें कुछ विजिबल होते हैं और कुछ विजिबल नहीं होते हैं। जो विजिबल होते हैं उसका क्या बताया गया है कि वो हमें डायरेक्टली नजर आ जाते हैं। वो ऐसे कल्चर होते हैं वो आपको डायरेक्टली जब आप मैंने आपको एग्जांपल्स कोट की थी इसके अंदर कि जब आप एंटर करते हो, जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करते हो तो आपको डायरेक्ट उनकी लैंग्वेज, उनके जेस्टर्स पोस्टर्स, उनकी बात करने का स्टाइल, उनकी ड्रेसिंग सेंस और ये सारा कुछ, उनके एक दूसरे से बात करने का तरीका, ये जो चीज़ें होती हैं ये डायरेक्टली आपको नज़र आ रही होती हैं। आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो इसको बेसिकली वो शेयर्ड वैल्यूज कहते हैं जो कि हमें नजर आ रही होती हैं, जिनको हम विजिबल जो विजिबल होती हैं बेसिकली। और सेकंड वो होती हैं जो जिनको हम आसानी से देख नहीं सकते, जो इनविजिबल होती हैं। मैंने आपको उसके अंदर बिलीफ सिस्टम आ जाता है कि वो बेशक आपको इस तरह की चीज़ें शो कर रहे हैं पर लेकिन अंदर से वो किस तरह के हैं ये हमें नहीं पता होता, वो इनविजिबल होती हैं। तो ये दो तरह की वैल्यूज हमने देखी थी, जो एक विजिबल होती है और एक इनविजिबल होती हैं। इसी के साथ साथ हमने देखा था शेयर्ड वैल्यूज। शेयर्ड वैल्यूज जो है मैंने आपको बताया था कि कंपनी की हायर मैनेजमेंट जो है वो एक लेवल सेट करती है और वो ये शेयर्ड वैल्यूज बनाती है और वो इसको लेके चलती है। इसके बाद जो है जो कंपनी का नीचे वाला तबका होता है वो उसे फॉलो करता है, तो इस तरह से एक चेन चल पड़ती है, तो ये वैल्यूज शेयर होना शुरू हो जाती हैं, इसको बेसिकली हम शेयर्ड वैल्यूज कहते हैं। उसके बाद कुछ पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं उनको शेयर्ड कहते हैं। उसके बाद उसकी अजम्पशंस बनती हैं शेयर्ड वैल्यूज की। उसके बाद जो है हमने देखा था कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं और कुछ रिचुअल्स या सेरेमनीज होती हैं। आर्टिफैक्ट्स वो सारे के सारे साइंस होते हैं, वो सिंबल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के अंदर देखे जाते हैं। आर्टिफैक्ट्स हमने देखा था कि द ऑब्जर्वेबल सिंबल्स, ये सारी वो चीज़ें होती हैं, आर्टिफैक्ट्स सारी वो चीज़ें होती हैं जो कि विजिबल होती हैं, जो कि आसानी से आपको नजर आ रही होती हैं और आसानी से इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, आसानी से उसको देख सकते हैं और उसको जज कर सकते हैं। और आफ्टर डैट जो है रिचुअल्स एंड सेरेमनीज क्या होती हैं, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक जो है आपकी रिचुअल्स आते हैं, सेरेमनीज आती हैं। रिचुअल्स जो होता है वो आपकी प्रोग्राम एक्टिविटीज होती हैं, डिफरेंट रूटीन्स टास्क डेली की रूटीन होती हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरह से होते हैं। इसमें आप क्या होता है कि मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप क्या करते हो जब भी कोई बंदा एंटर करता है तो उस हमारी यानी कि ना डेली एक रूटीन के अंदर है कि हम उसे ग्रीटिंग्स करते हैं, उसकी जो है वेल मैनर्ड ग्रीटिंग होती है, वो उसके बाद सी ऑफ एक मैनर्ड तरीके से होते हैं। तो ये रिचुअल्स में आता है, सेरेमनीज के अंदर प्लान एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं स्पेसिफिकली फॉर द बेनिफिट ऑफ एन ऑडियंस, मतलब जो आ रहा है क्लाइंट के लिए भी और उसके एम्प्लॉयज के लिए भी, दोनों के लिए सेरेमनीज कंडक्ट की जाती हैं। आप इसको लास्ट लेक्चर में जाकर देख सकते हैं, बहुत आसान सी चीज़ थी जो मैंने एक्सप्लेन की थी। उसके बाद लैंग्वेजेज हैं, हम डायरेक्ट लैंग्वेज चैप्टर पे आते हैं, जैसे कि हमें जो स्टार्ट करना है ताकि हम इसे ख़त्म कर पाएं क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लंबा है,
लास्ट से, तो उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हुए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो यहाँ से था कि क्या ये कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इंपॉर्टेंट होता है, और मैंने आपको क्लियरली अल्फाज में कहा था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसके ऊपर कंपनी की रेपुटेशन, कंपनी की सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है, कंपनी की बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सक्सेस डिपेंड कर रही होती है कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है उनका वो किस तरह का है। तो अगर उसका कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी लास्ट टाइम के अंदर, कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम जिसके अंदर कंपनी का जो काम करने का स्टाइल होता है, जो मैनेजर्स होते हैं उसके साथ सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनका आपस में काम करने का स्टाइल क्या है, क्या वो एक दूसरे को जो है आसानी से बियर करते हैं, क्या वो आसानी से जो है वो उनको ये कह देते हैं कि ठीक है आपने ये मुझे काम कह दिया तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपके पास ये राइट है कि आप मुझे ये काम दे सकते हैं। तो इस तरह से ये जो उनका कंट्रोल सिस्टम है वो कितना स्ट्रांग है, तो वो एक कल्चर को डेवलप कर, वो बताता है कि फिर इनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बहुत स्ट्रांग है जिसके अंदर इनका कंट्रोल सिस्टम है, लोग एक दूसरे की बात मानते हैं, एक दूसरे की बात को फॉलो करते हैं। तो इसके बाद वो हमें एक चीज़ नज़र आती है, कंट्रोल सिस्टम हमें बताता है कि ये कितना, अगर कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है इट मीन्स दैट इनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रांग है, अगर कंट्रोल सिस्टम वीक है इट मीन्स दैट इनका जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है वो वीक है। तो इसके बाद सोशल ग्लू, सोशल ग्लू का मतलब है कि लोग आपस में कितना जुड़े हुए हैं, लोग आपस में कितना कम्युनिकेट करते हैं, लोग आपस में कितनी शेयरिंग करते हैं, इसका ये मतलब है कि लोग, ये तो नहीं है कि हेजिटेशन का शिकार है, उसके बाद लोग एक दूसरे से बात ही नहीं करते, लोग डरे हुए हैं, लोग मैनेजर तक से बात नहीं कर सकते, वो कहते हैं फायर ना कर दे, वो बहुत गुस्से वाला है, तो इस तरह की चीज़ें तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं चल रही। जितना सोशल ग्लू स्ट्रांग होगा, जितना लोगों के आपस में यानी कि तल्लुकात अच्छे होंगे, वो खुशी से बात कर सकते हैं, वो एक जो है वो अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, तो इट मीन्स दैट कि ये चीज़ जो है वो एक पॉजिटिविटी शो करती है और पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक पॉजिटिव मैनर्स के अंदर चल रहा है। इसके बाद मेकिंग सेंस के अंदर मैंने बताया था कि जो आपको हुक्म दे रहा है, जो आपको काम ऑर्डर कर रहा है, क्या उसकी वो कैपेबिलिटीज हैं, क्या उसकी वो जिम्मेदारी है कि वो आपको वो ये राइट रखता है कि वो आपको ये काम दे सके, और अगर वो ये राइट रखता है कि वो आपको ये काम दे सकता है, तो इट मीन्स दैट ये मेक सेंस और आपको उसकी बात को फॉलो करना है। क्या सेंसेस के अंदर लोग जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको उसी सेंस में लेते हैं कि हाँ यार ये बात ठीक कर रहा है, मुझे इसकी बात माननी चाहिए। तो इस तरह से यानी कि जो तीन चीज़ें बताई गई हैं ये कितनी स्ट्रांग है, जितनी ये चीज़ें स्ट्रांग होगी, जितनी इफेक्टिव होंगी, उतना ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है उतना ही वो स्ट्रांग होगा। तो इसके बाद हमने देखा था स्टार्ट करना है जो मेन जो ये तो हम पहले ही यानी कि बात कर चुके हैं इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। हमारा मेन चीज़ है जो हमने बात करनी है वो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर स्ट्रेंथ एंड फिट्स। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को किस तरह से स्ट्रेंथन बनाया जा सकता है, किस तरह से उसकी एनवायरमेंट को स्ट्रांग बनाया जा सकता है, उसको फिट किया जा सकता है, जिसकी वजह से हमारी जो, क्योंकि इसके ऊपर हमारे कंपनी की सक्सेस डिपेंड कर रही होती है, इसी वजह से हमारी कंपनी में या तो डूबना होता है या तो फिर बेहतर होना होता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करती है हायर मैनेजमेंट कि हम इसको किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर समटाइम्स हर मंथ मीटिंग हो रही होती है, हर वीक मीटिंग हो रही होती है कि किस तरह से एम्प्लॉयज जो हैं अपने हमारे कल्चर को लेकर चल रहे हैं, जो हमने कल्चर स्टार्ट से डेवलप किया था हेल्पिंग एंड शेयरिंग वाला, क्या आज का स्टाफ वो कल्चर के ऊपर अडॉप्ट कर रहा है, वो वाला कल्चर अडॉप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कल्चर उसको लेके चल रहा है कि नहीं लेके चल रहा, उसको किस सेंस में वो लेके चल रहा है। और अगर कोई इस तरह के बंदे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं जो नेगेटिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हैं, तो उनके ऊपर फिक्स एक्शन लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे, तो इन चीज़ों के ऊपर डिबेट्स होती रहती हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं, उसको बेटर करने के लिए डिसीजन किए जाते हैं। बाय द वे हम देख रहे हैं कि किस तरह से किया जा सकता है, कल्चर कंटेंट फिट्स एनवायरनमेंट। तो हमें कुछ रीजंस होती हैं, हो सकता है कि वो वाला कल्चर अडॉप्ट नहीं किया जा रहा, तो इसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न होगी, कुछ चीज़ें होंगी जिसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि उनको इस तरह का, उनको सैलरी नहीं दी जा रही, तो डेफिनेटली वो अवे नहीं होंगे, वो मैनेजर की रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे। अब उनको 3 महीने से सैलरी नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, वो डेफिनेटली एक रिस्पॉन्ड करेंगे और वो रिस्पॉन्ड जो है वो नेगेटिव होगा। तो हमें वो चीज़ें क्लियर करनी है, वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है
अपने इम्प्लॉयज़ के लिए, जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट के अंदर एक पॉजिटिविटी शो करें। 4 मंथ से 3 मंथ से सैलरी के एम्प्लॉय को नहीं मिली होगी तो डेफिनेटली उसने एक नेगेटिव फॉर्म शो करनी है। उसने कहना है कि यार मैं इसकी क्यों रिस्पेक्ट करूं। अगर वो काम दिन में 10 काम देता तो वो 2 काम पे बोलना शुरू कर देता, पहले वो 1 काम पे भी नहीं बोलता था और एक्स्ट्रा टाइम लगा के उनको करके काम ख़त्म करके दे रहा था। पर लेकिन अब क्या सीन बन रहा है, अब उसको सैलरी नहीं मिली है, वो जिसके लिए काम करता है। बेसिकली हर बंदा ही जो है वो पैसे के लिए काम कर रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि उसने वो फाइनेंशियल हेल्प की मदद से ही अपने घर का सर्किट जो है वो चलाना होता है। तो अगर उसे वो ही नहीं मिल रहा 2-3 मंथ से, तो वो एक हेजिटेशन का शिकार होना शुरू हो जाएगा, वो एक गुस्से वाला उसका उसकी फीलिंग्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाएगा। सो वो अब जान बूझ के नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर से निकलना शुरू हो रहा है कि यार मैं क्यों काम करूँ अगर मुझे इसका सिले नहीं मिलना। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स होते हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि क्या इस तरह का एनवायरनमेंट है, अगर वो नेगेटिव फॉर्म शो कर रहा है तो क्या एनवायरनमेंट तो नहीं उसका फैक्टर, क्या एनवायरनमेंट इस तरह का तो नहीं है कि वो बेचारा जो है वो मजबूर है ये काम करने के ऊपर कि वो हमें जवाब दे, वो मैनेजर को जवाब दे। हो सकता है कि एनवायरनमेंट प्रॉब्लम हो। तो एनवायरनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें ऐसा एनवायरनमेंट बना के देना चाहिए ताकि जहाँ पे लोग जो है लोगों को पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली डेवलप हो। उसके बाद मैंडेटरी स्ट्रॉन्ग कल्चर। अब उसके अंदर एथिकल परफॉर्मेंस आती है कि मतलब एथिकली हम उन्हें ये लाजमी करें। उसके बाद जब हमने एक दे दिया है, एक स्ट्रॉन्ग एनवायरनमेंट दे दिया है, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे दिया, सैलरीज टाइम पे जा रही हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जूनियर्स को बार बार कह रहे हैं कि सीनियर्स की रिस्पेक्ट करें। सीनियर जब हम 2-3 साल के हो जाते हैं तो हम रिस्पेक्ट भी मांग रहे होते हैं सैलरी के साथ साथ, वो चीज़ें हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं। उसके साथ साथ हमें मैंडेटरी हो जाती है कि अब हम इसको देखें कि हम किस तरह से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देन अडॉप्टिव कल्चर, जो अडॉप्ट कल्चर जो होता है हम उसको बेसिकली अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं, उसको देखना शुरू कर देते हैं कि किस तरह से हम जो है हमने कल्चर कौन सा अडॉप्ट कर रखा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट है जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस एथिकल कंडक्ट के अंदर वो बेहतर होता है, वो क्या है कि वो आपको उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट देना पड़ता है, इन्वायरमेंट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देना पड़ता है जिसके अंदर वो ये चीज़ शो करते हैं कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऑटोमेटिकली मैंने बताया कि अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो, अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो तो इसके अंदर क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली लोग जो है पॉजिटिव शो करते हैं, एक ऐसा कल्चर डेवलप करते हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल होता है। अब यहाँ पे उन्होंने उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड द बिजनेस एथिक्स